हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम मुख्य न्यायाधीश से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में अब तक कुल कितने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। अभी तक भारत देश के कितने मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी वाला 48। अभी तक टोटल कितने रहे हैं? 48 है, जो वर्तमान में है उनको भी इंक्लूड करके। देखिए यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करते हुए चलेंगे। भारत गणराज्य में अब तक कुल 48 वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला HJ कन्या भारत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए न्यायमूर्ति श्री HJ कन्या भारत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन है? श्री NV रमन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने 4 अगस्त 2022 को किसका नाम उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश किया है? NV रमन्ना किसे चाहते हैं कि अगले मुख्य न्यायाधीश बने? किनका नाम सिफारिश किया है इन्होंने? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला UU ललित, उदय यू ललित। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जस्टिस उदय यू ललित भारत के 49th मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। भारत देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने 4 अगस्त 2022 को उनके उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति UU ललित के नाम की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना किस तिथि को सेवानिवृत्त होने वाले हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला 27 अगस्त 2022 को भारत देश के जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना, ये 48th नंबर के हैं, ये 27 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नोट, भारत देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, नाम याद रखिएगा, NV रमन्ना है अभी, लेकिन 27 अगस्त 2022 के बाद आपको नए मुख्य न्यायाधीश देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति UU ललित को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? इनके बारे में हम और भी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में समझने वाले हैं क्योंकि अभी आने वाले दिनों में 100% चांसेस है कि यही हमारे भारत देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे क्योंकि इनका नाम सिफारिश किया जा चुका है। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसमें से। न्यायमूर्ति UU ललित को किस वर्ष में भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो अगस्त 2014 में किया गया था। देखिए इनके बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कौन है जस्टिस UU ललित। इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले वह सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के रूप में अभ्यास कर रहे थे। न्यायमूर्ति ललित देश के शीर्ष अदालत में सीधे पदोन्नत होने वाले 6ठे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वह 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वह देश के 49th CJI के रूप में 74 दिनों की अवधि के लिए भारत देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। जस्टिस UU ललित जून 1983 में बार में शामिल हुए थे। उन्होंने 1986 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने 1986 से 1992 तक भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सोली सोरोबाजी के साथ भी इन्होंने काम किया है। जस्टिस UU ललित को 29 अप्रैल 2004 को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड, जिन्हें आप याद जरूर रखिएगा, जस्टिस UU ललित से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है पहले भी।
सही उत्तर क्या होगा इसका बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, तो बताइए इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे भारत देश के राष्ट्रपति करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जितने भी न्यायाधीश है ना, अभी वर्तमान में भारत देश का एक मुख्य न्यायाधीश है और प्लस साथ में 33 अन्य न्यायाधीश हैं, तो इन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य 33 अन्य न्यायाधीश है ना, इनसे परामर्श करते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश है क्या यही व्यक्ति है जिनकी नियुक्ति करनी चाहिए मुख्य न्यायाधीश के लिए। इस तरह से परामर्श करते हैं जो अन्य न्यायाधीश है ना उनसे। परंतु अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करनी होती है, जो बाकी 33 जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है, तो राष्ट्रपति जी को हमेशा जो भारत देश का मुख्य न्यायाधीश है ना, इन्हीं से ही परामर्श लेना होता है। ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगला देखिएगा, वह चाहो तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, जब भी नियुक्ति करनी होती है इनकी, तो वो यहाँ से परामर्श लेते हैं। जैसे कि आपको बताया था पहले भी मैंने, कि जो भारत देश के राष्ट्रपति हैं ना हमारे, ये जो भी कार्य करते हैं उससे पहले इन्हें परामर्श लेना पड़ता है ज़्यादातर काम में। नेक्स्ट देखिएगा, एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कितने वर्ष है? कितनी उम्र तक के काम कर सकते हैं, उसके बाद इनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, 65। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? 65 की हो जाएंगे, उनके बाद इनको रिटायरमेंट मिल जाता है। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पे कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है, एक्चुअली डिपेंड करता है उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उनके एक्सपीरियंस के बेस्ड पर ही इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। क्या योग्यताएं हैं उसे अभी हम आगे कवर करेंगे। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा जो है यह है 65 वर्ष। इसलिए जो अभी भारत देश के नए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बनने वाले हैं ना, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो एज है यह 65 के करीब अभी होने वाली है। ठीक है, 3-4 मंथ बाद ये 65 क्रॉस कर जाएंगे, तो इन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। इसलिए अब जो नए बनेंगे वो ज़्यादा समय के लिए नहीं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? देखिए, इनकी नियुक्ति भी भारत देश के राष्ट्रपति करते हैं और इनको शपथ भी कौन दिलाते हैं? भारत देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, क्या सैलरी मिलती है और क्या फैसिलिटीज और मिलती है, इसे भी हम कवर करेंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी जो सैलरी है वह है 2,80,000 पर मंथ। वह जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,50,000 पर मंथ मिलता है। और इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ है वह है निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएँ, जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी सुविधाएँ इनको मिलती हैं। न्यायाधीशों का वेतन एवं उसे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उनके कार्यकाल में कभी भी कम नहीं की जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का जो पेंशन है उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित होता है। जब ये रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनको जो पेंशन मिलनी है वह कितनी मिलनी है? जितनी भी सैलरी उनको लास्ट टाइम मिल रही होती है उसका 50%। नेक्स्ट पॉइंट है, पद विमुक्त, इन्हें पद से भी हटाया जा सकता है, क्या प्रोसेस होती है, इसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे प्रार्थना कहते हैं। भारत देश के राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो महाभियोग लगाया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर पद से हटाना है तो प्रार्थना उसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटा सकते हैं। कोई भी मुख्य न्यायाधीश है या फिर अन्य न्यायाधीश है, अगर उन्हें पद से हटाना है तो उन पर भ्रष्टाचार अगर सिद्ध हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि इन्होंने भ्रष्टाचारी की है और ये असमर्थ है इस पोजीशन को संभालने में, तो इनके खिलाफ प्रार्थना लेकर आ सकते हैं। प्रार्थना वाला प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और पद से हटाया जा सकता है।
देखिए क्या क्या प्रोसेस लगती है। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा उनमें जितने भी कुल सदस्य है ना उनसे स्पष्ट बहुमत से यह पारित होना चाहिए। तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं वह मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव पर समर्थन करना चाहिए, तब जाकर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना के रूप में भेजती है तभी वह आदेश जारी करके उसे न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसे भी समझिएगा। पद विमुक्ति प्रस्ताव जो होता है यह 100 सदस्य लोकसभा के 100 सदस्य और 50 सदस्य राज्यसभा के इनके द्वारा जब हस्ताक्षर हो जाता है तो बाद में अध्यक्ष या फिर सभापति को सौंप दिया जाता है यह प्रस्ताव। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक ये रहे हैं। अगर टोटल दिन देखें तो कितने दिन तक इस पद पर रहे हैं? 2696 दिन तक ये पद पर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक। क्या नाम है इनका? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण, ये 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक सिर्फ मात्र 17 दिन के लिए इस पद पर रहे थे। क्या नाम है इनका? कमल नारायण सिंह। दोनों याद रखिएगा, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ बहुत ही लंबे समय तक इस पद पर रहे थे। इनका जो कार्यकाल रहा था कितने दिनों तक का था? 2696 डेज का। और जो कमल नारायण सिंह है ये सबसे कम समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं इस पद पर, सिर्फ 17 दिन के लिए इस पद पर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत देश के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया, क्योंकि भारत देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह कहाँ पर है? सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो हमारे भारत देश के मुख्य न्यायाधीश है यह राष्ट्रपति से स्वीकृति ले ले, इनसे परमिशन ले ले और दिल्ली के अलावा कहीं और पर भी सर्वोच्च न्यायालय की ये बैठक बुला सकते हैं, है ना। और ऐसा हो भी चुका है, हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। चलिए लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं आपको यह कमेंट करके बताना है। देखिए काफ़ी बार वैसे बदलाव किया जा चुका है, सबसे पहले तो सिर्फ 8 व्यक्ति ही रहते थे, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को मिलाकर 8-9 व्यक्ति ही थे। ठीक है, 9 व्यक्ति ही रहते थे, उसके बाद 11 हो गई थी यह संख्या, उसके बाद 31 हो गई थी। लेकिन बाद में अभी कुछ समय पहले ही संशोधन विधेयक आया था 2019 में, तब इसकी संख्या बढ़ा दी गई थी। तो कितनी कर दी गई थी इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं चीज़ें तो मैंने अलग से वीडियो बना दी है पहले ही, भारतीय संविधान पूरा हम कवर करवा चुके थे, है ना। वहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और जितने भी टॉपिक्स आते हैं भारतीय संविधान के सारे A to Z बेसिक से सारी चीज़ें मैं पहले भी कवर करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट अलग से बनी है आप आराम से देख सकते हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे भी हमने वहाँ पर कवर किए हैं। थैंक यू।